मैं संजय मैं आपके सामने फिर से आया हूँ आपका मनपसंद चैनल बर्जिस ब्रेडर लेके। चलिए आज के जो मेरे वीडियो के टॉपिक से बहुत ही खास है, आज के जो टॉपिक से वो है जो बर्जिस ब्रेड का एज है वो आपको किस तरह से पता चलेगा या फिर आप किस तरह से पता करेंगे कि ये बर्ड इस साल का है, ये बर्ड इस महीने का है, ये बर्ड इतना इसका एज है, किस तरह से आपको पता चलेगा। मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा है मुझे ये बता दीजिए किस तरह से आपके बर्ड का मैं एज जान सकूं, इस तरह से बेयर लगाने में बहुत ही सुविधा होगी। चलिए इसी में इस टॉपिक से चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला वाला जो है इस बर्ड का वर्जिस पैरट का दो तरीके से आप इसकी एज जान सकेंगे, ठीक है। पहले बात ये है दो तरीके से आप इसकी एज जान सकेंगे। पहला है नोज टेल जो इसका केयर होती है, इससे आप मेल फीमेल जान सकेंगे या फिर उसकी एज जान सकेंगे। दूसरी बात है जो सिर का हो पलक होते हैं, ठीक है से उससे आप एज जान सकेंगे। और तीसरी बात यह है उसकी जो आँखों होते हैं, आँखों के अंदर जो एक गोल राउंड होता है सफ़ेद का, उससे आपको पता चलेगा। चलिए मैं पकड़ के दिखाता हूँ किस तरह से आपको पता चलेगा इसका एज कितना है। चलिए व्यूवर्स ये मैंने पकड़ के रखा है एक बर्ड्स, ये है 1 साल का। आपको किस तरह से पता चलेगा इसका एज कितना है, चलिए यही वीडियो का टॉपिक है, इसी में मैं दिखाता हूँ। चलिए किस तरह से आपको दिखना है, एक मिनट ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, काटना मत। चलिए देखिए इसका ओए 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 इसका सिर देखिए, सिर का देखिए इसका सिर का जो पालक है पूरी, ये जो दाग होता है देखिए अच्छी तरह से दाग पूरी सिर पे है, ठीक है पूरी तरह से इसकी सिर पे है। इसकी आंखों देखिए, आंखों में कुछ भी नहीं है, पूरी एकदम काली है और बहुत ही बड़ा लग रहा है इसका आँख, देख सकते हैं आप इसका आँख जो है बहुत ही बड़ा लग रहा है। चलिए ये जो है ये 1 महीने का है, 1 महीना 10 दिन हुआ है इसका एज। चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए बेबर्स ये है 2 महीने का बच्चा, ठीक है। इसका भी आंखें देखिए, इसका भी आंखें पूरी काला है, ठीक है। मगर इसका सिर देखिए, इसका सर का जो काला वाला हिस्सा था, ठीक है, काला काला जो दाग है वो पीछे चला गया। सामने वाला का जो काला काला हिस्सा था, काला काला पंख था, जो काला काला दाग था वो हट गया है और नया पालक आ रहा है। देखिए ये नया पालक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये तो है 2 से 2.5 महीने का, और उससे भी ज़्यादा महीने का मैं दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है जब ये बड़ा हो जाएगा उसका जो देख रहे हैं जो ठोंठ के नीचे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, देखिए कितना डार्क हो रहा है, ठीक है। जब बच्चा होगा तब ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट होता है, ठीक है, बर्ड्स के अंदर वो ब्लैक स्पॉट नहीं रहेगा, और जो आंखें होता है उसका आंखें भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसका आंखें का जो केयर होती है जो रिंग होती है सफ़ेद रिंग वो भी बड़ा हो जाता है। चलिए अभी इसको इसका देखिए, इसका आंखों के नीचे जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ब्लू या ब्लैक वो कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है ये। और आंखों का जो वाइट रिंग है वो भी डीप हो रहा है, ये है 8 महीने का, ठीक है। और मेरे पास ये जो पेयर है इस पेयर को देखिए, इसका जो डॉट है कितना बड़ा है और आंखों का जो रिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये है मेरे पास 1.5 साल का और इससे भी बड़ा है ये। इसका देखिए आंखों का नीचे जो ब्लू और ब्लैक स्पॉट है कितना बड़ा है, कितना डार्क है दिख रहा है। और इसका आंखा भी बहुत छोटा छोटा लग रहा है क्योंकि ये 3 साल का है। और इसका चोंच देखिए कि इसका चोंच जो है बहुत ही शार्प है,
ये 3 साल का है। इसी तरह से कुछ भी तरीके से आप इसकी जो एज है वो आप पता कर सकेंगे सकेंगे वो पता कर सकेंगे। चलिए इसी में समाप्त करते हैं। चलिए टाटा।